सॉरी दिल्ली खबर के बारे में बताइए। दिल्ली खबर, दिल्ली की खबर तो काफ़ी बुरी है अभी आजकल। इतने सारे रेप हो रहे हैं, इतने सारा अभी जामिया में 3 लोगों को मार दिया गया, ये भी एक तो देखने के बाद में दिल्ली कांड बनाया। देखने के बाद नहीं बनाया, मैं सोच तो कब से रहा था कि एक उससे पहले निर्भया से पहले एक फॉरेन रेप केस हुआ था, फॉरेनर का रेप केस हुआ था जिसमें ऑटो वाले ने जो है टैक्सी वाले ने बिठा के रेप कर दिया था। उसके बाद में फिर निर्भया कांड हुआ, उसके बाद भी कई सारे कांड होते रहे हैं। तो कुछ फिल्म मेकर का काम है कुछ ना कुछ ऐसा बनाए जिससे लोग ये करने से रुके। दिल्ली कांड के अलावा हैदराबाद कांड हुआ, बहुत सारे कांड होते हैं, तो दिल्ली ही क्यों? क्योंकि हैदराबाद तो हैदराबाद का जो कांड है वो अभी हुआ है, रिसेंट कांड है, लेकिन जो फिल्म है फिल्म बनाने में टाइम लगता है। तो आई थिंक उसके बाद हमने सोचा कि हमें कुछ करना चाहिए। स्क्रिप्ट तो मेरा विजुलाइजेशन है, मैंने सोचा मेरी खुद की लिखी हुई फिल्म है तो जी। जी मैंने बताया एक मीडिया रिपोर्टर का कैरेक्टर है जो लड़की के लिए जिसका रेप हो जाता है उसके लिए लड़ती है और जो भी अपने बिहाफ से वो कर सकती है वो सब करती है उसके लिए। रिपोर्टर ही क्यों, सर से पूछना पड़ेगा उन्होंने क्यों लिखा, वो इनको कुछ और लिखना चाहिए था। रिपोर्टर है बट बहुत ज़्यादा बोल्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा बोल्ड है कि उसके ऑफिस में सब उससे डरते भी हैं क्योंकि वो कहीं पे भी गाली वाली निकाल देती है। वो बहुत बोल्ड लड़की है, तो मतलब एक ही फिल्म में औरत के दो रूप भी दिखाए हैं कि एक मतलब आजकल की लड़कियों को बोल्ड होना चाहिए, मैं बोलती हूँ, डर के दब के नहीं रहना चाहिए। तो मेरा कैरेक्टर बहुत बोल्ड है इस फिल्म में, गाली निकालती है, मन करे तो थप्पड़ भी मार देगी किसी को, एक पावर पे है वो, सो इस तरह का किरदार है। अभी निकाल के बताऊं? आप फिल्म देखिएगा आपको पता चल जाएगा, बहुत सारी गालियाँ हैं। फिल्म कंप्लीट हो गई है, जनवरी एंड जी। नहीं गाने हैं, लोकेशन दिल्ली की है और इलाहाबाद की है और मुंबई में भी शूट किया है कुछ पार्ट हमने। इसमें टोटल 5 गाने हैं जिसमें से एक रेवोल्यूशन सॉन्ग है, एक सैड सॉन्ग है, और रेवोल्यूशन सॉन्ग जो है जो आदित्य नारायण ने गाया है एंड जो रोमांटिक सॉन्ग है वो जावेद अली जी ने गाया है। नहीं काफ़ी सारे कलाकार हैं, काफ़ी सारे काशवी हैं, उसके बाद में राजेश सिंह हैं, वीरेन साहब हैं, प्रीतिका चौहान हैं, तो काफ़ी सारे कलाकार हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। हमने बेसिकली उस कैरेक्टर पे जो स्ट्रॉन्ग दिखना चाहिए उस हिसाब से कास्टिंग की है। जनता से ये कहना चाहेंगे कि हम सबको आगे बढ़ के आना चाहिए, जो भी हादसे हो रहे हैं उनको अनदेखा नहीं करना चाहिए, आपको विक्टिम की हेल्प के लिए आगे आना चाहिए। और जब हम आगे आएंगे तो जो दो लोग कर रहे होंगे रेप या छेड़छाड़ कर रहे होंगे उनकी कभी हिम्मत नहीं होगी कि वो कुछ कर सके, क्योंकि हम देख के सब चीज़ों को अनदेखा करते हैं, इसलिए लोग जो है ये हादसे को अंजाम देते हैं, वरना ये हादसे हो ही ना अगर हम सब उनको जगह पर रोकना शुरू कर दें और गाड़ी को आगे बढ़ा के पीछे घूम के देख के निकल ना जाए, तो कभी ये हादसे पॉसिबल नहीं है। मेरा रहेगा बता तो दिया, अभी कितना बार बताऊं मैं आपको क्या रहेगा, बता दिया क्या होना चाहिए। हाँ जी जी मैं तो आप आदमी लोगों को ही बोलूंगी आप अत्याचार ना करें, और मैं क्या बोल सकती हूँ इसमें, हमेशा औरतों पे ही तो अत्याचार होते हैं। कभी आपने सुना किसी औरत ने किसी मर्द पे अत्याचार किया है या किसी औरत ने किसी मर्द का रेप कर दिया है? मे भी आपने नहीं सुना होगा क्योंकि ऐसा होता नहीं है नॉर्मली कहीं पे भी।
तो सभी को बोलूँगी जो मर्द है कि प्लीज़ औरतों की रिस्पेक्ट करें, आपके घर में भी माँ है, बहनें हैं, आप एक बार सिर्फ इमेजिन कीजिए कि उनके साथ भगवान ना करे ऐसा हो जाए तो आप पे क्या बीतेगी। आप जो दूसरी की बहन बेटियों के साथ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपके घर पे हो जाए, अच्छा नहीं लगता ना, दिल टूट जाएंगे आपका, आपको बहुत बुरा लगेगा। तो यही बोलूँगी मत कीजिए ये सब, अपने सेंसेस में रहिए, काम कंपोज रहिए, गुस्सा आक्रोश मत लाइए अपने अंदर, क्योंकि जब गुस्सा है वो सब वो उन्होंने गुस्से में ही किया होगा जो कुछ भी किया होगा उन्होंने, राइट। तो मतलब काम रहिए, जियो और जीने दो, भला लड़की हो लड़का हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मोलेस्ट आजकल लड़के भी हो रहे हैं, लड़कियां भी हो रही हैं, बट नहीं करना चाहिए।